हेलो फ्रेंड्स, आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मार्वल की कॉस्मिक एंटिटीज के बारे में। वैसे तो कॉस्मिक एंटिटीज का कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है और कई मार्वल कैरेक्टर्स कुछ कॉस्मिक एंटिटीज से भी पावरफुल हैं, फिर भी उन्हें कॉस्मिक एंटिटीज नहीं कहा जाता। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कॉस्मिक एंटिटीज को सही से एक्सप्लेन करने की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। तो चलिए अब बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। मार्वल कॉमिक्स के फिक्शनल यूनिवर्स में कैरेक्टर्स की एक ऐसी कैटेगरी है जो कि सच में पार्ट है मार्वल मल्टीवर्स के स्पेस टाइम फैब्रिक के, और इन कैरेक्टर्स का एग्जिस्टेंस जरूरी है यूनिवर्स के बेसिक फंक्शंस के लिए। जैसे हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम करता है, उसी तरह ये कैरेक्टर्स भी एक सर्टेन रोल प्ले करते हैं मार्वल यूनिवर्स में, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन करता रहे। साथ ही इन कैरेक्टर्स की पावर्स भी यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल और कुछ की तो ओमनीवर्सल लेवल पे होती है, बिल्कुल डीसी के एंडलेस की तरह। मगर जहाँ एंडलेस सिर्फ साथ ही हैं, वहीं इन कैरेक्टर्स का नंबर काफी हाई है, और इन कैरेक्टर्स को ही हम कॉस्मिक एंटिटीज, कॉस्मिक बीइंग या एब्स्ट्रैक्ट बीइंग्स ऑफ मार्वल यूनिवर्स कहते हैं। मगर हर एक कॉस्मिक बीइंग को सिर्फ इसलिए कॉस्मिक एंटिटी नहीं कहा जाता क्योंकि वो यूनिवर्स के फंक्शन के लिए जरूरी है, कुछ को सिर्फ उनके पावर लेवल्स के यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल और ओमनीवर्सल होने की वजह से भी कॉस्मिक एंटिटीज कहा जाता है। जैसे कि द बियॉन्डर्स का ग्रुप, द बियॉन्डर, द वॉचर्स, द सेलेस्टियल्स, कॉस्मिक क्यूब्स, जो वैसे तो क्यूब फॉर्म में रहते हैं मगर इवेंचुअली कॉमिक्स में ये भी इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में जन्म ले लेते हैं। वैसे तो हर कॉस्मिक एंटिटी दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगभग सभी में सेम होती हैं, जैसे कि उनकी पावर्स हमेशा यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल या ओमनीवर्सल लेवल पे होती हैं, जो किसी मॉर्टल बीइंग की पावर लेवल्स के लिए होना इम्पॉसिबल है, सिर्फ कुछ मॉर्टल्स की एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे द मॉलिक्यूल मैन, मैट जिम जैस्पर, जीन ग्रे, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, प्रोडिजी, हाइपर स्टॉर्म, द स्कारलेट विच, नेड ग्रे, रेचल समर्स एसेट्रा। इन सभी की पावर्स कॉमिक्स में कई बार ऐसे लेवल्स पे पहुंच गई थी कि पूरे यूनिवर्स और यहाँ तक कि मल्टीवर्स को भी अफेक्ट कर सकती थी। साथ ही कई कॉस्मिक एंटिटीज ऐसी भी हैं जिनके पास खुद की फिजिकल बॉडी नहीं होती, और ये एंटिटीज अपनी बॉडीज लेती हैं एक एंथ्रोमॉर्फो नाम की एंटिटी से, जो डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन में रहता है। डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन का डायमेंशन नॉर्मल टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है, और यहाँ से ली गई कॉस्मिक बॉडीज को एम बॉडी कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज मतलब वो एंटिटीज जिनके पास पहले कोई बॉडी नहीं थी जो एम बॉडी यूज करती हैं, उनमें शामिल है एनोमली, डेथ, इटर्निटी, इन्फिनिटी, एंट्रोपी, द इनबिटवीनर, क्रोनोस, द लिविंग ट्राइब्यूनल, लॉर्ड केओस, मास्टर ऑर्डर, मिस्ट्रेस लव, सायर हेट, ऑब्लिवियन, और साथ ही नॉन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज होने के बाद भी गैलेक्टस और सेलेस्टियल्स भी एम बॉडी ही इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ जनरली कोई भी कॉस्मिक एंटिटी इमोशंस शो नहीं करती, और अगर कोई चीज उनको अपने काम से रोकती है, चाहे वो पूरा प्लेनेट या पूरी गैलेक्सी ही क्यों ना हो, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गैलेक्टस का काम ना सिर्फ प्लैनेट्स को खा के अपनी एनर्जी की भूख को शांत करना है, बल्कि वो यूनिवर्स में इटर्निटी और डेथ में बैलेंस बनाने का काम भी करता है, और इसीलिए उसे इक्विटी भी कहा जाता है। मगर फिर भी कॉमिक्स में कई बार शो किया गया है कि उसे ये चीज पसंद नहीं, और पूरी सिविलाइजेशन और प्लैनेट्स को खत्म करने का गिल्ट उसे हमेशा महसूस होता है। अब जो चीजें इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, वो ये हैं कि मार्वल के कई कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि कुछ कॉस्मिक एंटिटीज से भी पावरफुल हैं, मगर फिर भी उन्हें कॉस्मिक एंटिटीज नहीं कहा जाता, जैसे ओडिन, जॉम, डोरमामू, मेफिस्टो, द विशेंटी और कुछ एक्सटेंट तक द सॉर्सरर सुप्रीम भी, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज भी, जो वो अपनी फुल पावर को यूज कर सके। पर शायद उन्हें इसलिए भी कॉस्मिक एंटिटीज नहीं माना जाता क्योंकि वो यूनिवर्स के बेसिक फंक्शंस के लिए जरूरी नहीं है। पर फिर क्वेश्चन ये उठता है कि कॉस्मिक एंटिटीज में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ पावर्स के बेसिस पे ही कॉस्मिक एंटिटी हैं, तो इन लोगों को कॉस्मिक एंटिटीज में क्यों नहीं रखा जाता? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है कि ये सब चीजें डिपेंड करती हैं मार्वल राइटर्स और एडिटर्स पे। वैसे तो कितने कॉस्मिक एंटिटीज हैं मार्वल यूनिवर्स में, ये चीज अननोन है, मगर मैं कोशिश करूंगा आपको जितनी हो सके उतनी बताने की।
पहले स्टार्ट करते हैं कुछ मेन कॉस्मिक एंटिटीज से। तो सबसे मेन कॉस्मिक एंटिटी है द वन अबव ऑल, जो कि गॉड है मार्वल यूनिवर्स और उसके मल्टीवर्स का। उसी ने बाकी मार्वल यूनिवर्स के बींग्स को बनाया है और आने वाली कॉस्मिक एंटिटीज भी उसी की बनाई हुई हैं। नेक्स्ट लाइन में है द लिविंग ट्राइब्यूनल, जिसे द वन अबव ऑल ने यूनिवर्स में कॉस्मिक जस्टिस और बैलेंस बनाए रखने के लिए बनाया था। फिर ग्रुप है इटर्निटी, इन्फिनिटी, एंट्रोपी और डेथ का, जो मिलकर यूनिवर्स का कॉस्मिक कंपास बनाते हैं। फिर है गैलेक्टस, जिसे इक्विटी भी माना जाता है क्योंकि वो इटर्निटी और डेथ के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। फिर है फिनिक्स फोर्स, जो कि गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक की तरह लिमिटलेस पावर सोर्स है, और जीन ग्रे फिनिक्स फोर्स की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है और इसलिए वो बहुत आसानी से पूरी फिनिक्स फोर्स को इस्तेमाल कर सकती है। मगर ट्रू फिनिक्स फोर्स का मैनिफेस्टेशन रेचल समर्स को माना जाता है, जो कि जीन ग्रे और साइक्लोप्स यानी स्कॉट समर्स की बेटी है, और वो फिनिक्स फोर्स को सही से कंट्रोल कर सकती है, जो जीन ग्रे नहीं कर पाती। बाकी कॉस्मिक एंटिटीज में शामिल हैं द बियॉन्डर्स का ग्रुप, द बियॉन्डर, एंटी फिनिक्स फोर्स, सेलेस्टियल्स, कॉस्मिक क्यूब्स, ईगो द लिविंग प्लैनेट, ईऑन, एपॉक, द फल्क्रम। फल्क्रम को द वन अबव ऑल का ही एवेटार माना जाता है। इन्फिनाइट्स, ये इन्फिनिटी से अलग हैं। इन्फिनाइट्स एक ग्रुप है हायर डायमेंशनल एंटिटीज का। इन बिटवीनर, क्रोनोस, लॉर्ड केओस, जो कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन है केओस कॉन्सेप्ट का। मास्टर ऑर्डर, जो कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्सल ऑर्डर कॉन्सेप्ट का। मास्टर हेट, मिस्ट्रेस लव, ऑब्लिवियन, प्रोमियल गॉड्स, द स्ट्रेंजर, द वॉचर्स एक्सेट्रा। मार्वल यूनिवर्स में और भी कॉस्मिक एंटिटीज शामिल हैं, लेकिन मेन जितनी भी हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।